देखिए बनारस आए हुए हैं और आज सोचा हम लोगों ने बनारस का सबसे जो फेमस आइटम होता है वो है कचौड़ी जलेबी और उसके साथ कुछ ठंडई वगैरह भी होता है। लेकिन सबसे पहले प्लान किया गया हम लोग कचौड़ी जलेबी खाने के लिए। बनारस आइए, कचौड़ी जलेबी ज़रूर खाइए, क्योंकि ये सबसे मतलब यहाँ का सबसे फेमस और उस प्रकार सबकी मतलब ज़िंदगी में बसा हुआ है ये। सुबह कचौड़ी जलेबी का नाश्ता करना ही करना है। और एक नदेशा में बहुत फेमस कचौड़ी जलेबी की शॉप है जो हम लोगों को सुनने में आया है कि लगभग 150 से 200 साल पुरानी है, श्री राम भंडार। चलिए चलते हैं, मिलते हैं उनके ओनर से, पूछते हैं अगर उनके पास टाइम अगर हो तो बताएंगे कि कब से है और क्या है इस कचौड़ी जलेबी की खासियत। चलिए मिलाते हैं आप लोग को। बनारस के बहुत फेमस मिठाई शॉप है ना भैया ये, मिठाई और श्री राम भंडार है। 1870 से चल रही है ये, सेवन जनरेशन से ये शॉप चल रही है और बहुत ही फेमस इसको कहा जाएगा। और बाकी चीज़ें भैया खुद बताएंगे। बनारस का मेन नाश्ता है कचौड़ी जलेबी। बनारस में कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ तो कचौड़ी जलेबी देखता है। यहाँ सब्जी लेने भी लोग जाते हैं तो दो कचौड़ी खा के ही आते हैं घर, भले नाश्ता बाद में खाएंगे। ये कचौड़ी जलेबी, ये यहाँ का कचौड़ी जलेबी मतलब ये क्रेज है, यहाँ क्रेज है यहाँ का। और ये मेन बात क्या है, यहाँ का विशेषता क्या है कि बिना लहसुन प्याज के बनता है। अच्छा, ये पूरी तरीके से सात्विक होता है। जैसे लोग पूजा पाठ वाले जाते हैं वो भगवान को बिना भोग लगाए खुद नहीं खाते हैं। जी जी जी, ये मेन खासियत है। अच्छा, ये पूरा सात्विक मतलब इसको आप नाश्ता करने के बाद भी पूजा कर सकते हैं, ऑप्शन है ये। चलिए थैंक यू। ज्यादा ये फेमस, लोग गंगा जी जाएंगे तो बिना कचौड़ी खाए वापस नहीं आएंगे। कचौड़ी जलेबी तो नाम बहुत सुना था, कल से ट्राई भी कर रहे थे, एक हमारे फ्रेंड है इन्होंने बताया कि चलिए आपको ले चलते हैं नदेश्वर पे, तो बढ़िया कचौड़ी जलेबी आपको खाने को मिलेगा। हमने पहले टेस्ट कर लिया, उसके बाद फिर हम सोचे आप फ्री हो जाइए फिर आपसे बात करते हैं। चलिए भैया थैंक यू, और बाकी अपने सब्सक्राइबर को बोलेंगे बनारस आइएगा तो जरूर भैया के पास जरूर आइएगा, मिलिएगा। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ कचौड़ी खाए, ये कचौड़ी की शॉप है। कैसे लोग बाहर खड़े होके ये है कचौड़ी। भैया सब्जी किस किस चीज की होती है इसमें? सोयाबीन और बदल बदल के। अच्छा, रोज बदल बदल के ये जगह जाए थोड़ी सब्जी लगा। हाँ, ये गर्मा गर्म तलती हुई कचौड़ियाँ। वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन वाराणसी, श्री राम भंडार। बाकी चीज़ें भैया ने बताई दी है कि ये कितने सालों से यहाँ पे है। बनारस आइए तो कचौड़ी जलेबी ज़रूर खा के जाइए।